हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो अभी एक चाबी दिखाता हूँ आपको, चाबी ढूंढ रहा है भाई, मिल गई ब्लैक कलर की, ये नई नई चाबी। अभी चाबी आपको दिखाता हूँ किस चीज़ की है, पता भी चल गया होगा, ऐसी बात नहीं है, कति पुरानी है। हाँ यही है। तो अभी आपको इसकी छोटी सी हल्की सी ड्राइव दिखाता हूँ, क्यों, क्योंकि अभी नंबर प्लेट नहीं आई है, तो इसलिए इसको ऑफ रोडिंग पर नहीं ले जा सकते, बट ऑफ रोडिंग पर भी इसको जल्दी लेके जाएंगे। उससे पहले आपको इसमें एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, ये है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, आप देख कर पता चल गया होगा, बट ये है ऑल ग्रिप 4x4 हम कह सकते हैं इसको। ऑल ग्रिप पता क्या है, माइल्ड हाइब्रिड में सिर्फ ऑल ग्रिप आओगी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ऑल ग्रिप ना आवे। तो चला, तू चला ले, ले तो फिर कैमरा पकड़। तो रिक्वेस्ट सेंसर, चाबी बदलनी चाहिए यार, चाबी ना बदले, समस्या तो ये है चाबी नहीं बदलते। इंटीरियर इसकी सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो एक बार से सारी खोजें हैं। इसमें अलग पते क्या है भाई, ये है, ये देखो, ये ड्राइव मोड, ड्राइव मोड, स्नो मोड, फ्लोना मोड, डिम का मोड। और भाई नया फोन ले लिया, देखो बात कल फोन गार्डन लग गया, किस काम की क्लैरिटी बढ़िया है। इफ वन पे करूं, वन पे कर दे ले, तेरा में थोड़ी सी रोशनी ज्यादा है भाई। ये आईफोन 13 है। इस इंसान की पता है क्या बात भाई साहब, इस इंसान ने सेल में फोन नहीं लिया और भाई ने बिना सेल में लिया। हाँ मेरी वजह से है थोड़ा सा, क्योंकि वरना सेल में लेता भाई साहब 50,000। और ये इसमें पल्लड़ लगा हुआ है, तो आप ये पल्लड़ देख सकते हैं, और अभी इसको खोल देते हैं थोड़ा सा। पल्लड़ पकड़ चाबी तो पकड़, छोड़ तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई। ये देखो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलाइए ऑल ग्रिप में लगा दे, नॉर्मल तो सब चला रहे, अपने आप ही लगाए अपने आप। वो फोर वाली थोड़ी ना आई हो, तो ऐसे तुमको फील ना आ रही, ये मैनुअल की तो भाई ऑफ रोड भी जल्दी करेंगे इस गाड़ी के साथ। बाकी पता है क्या है, आप लोगों को मैं बताता हूँ, जब अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लोगे ना, तो उसके अंदर जो ये इंटीरियर है ना, जैसे इसमें रेड है, उसके अंदर आ जाएगा ब्लैक, ये ब्लैक ब्लैक से लेदर आ जाएगा, और ब्लैक थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी रेड में भी कमी तो नजर नहीं आ रही है मेरे को। सीट बेल्ट लगा लेते हैं रोक के एक बार, और ये रावण बन रहा आगे, आज वैसे है दशहरा ही। खिड़की खुली है, मेरी खुली थी, ये देखो स्पोर्ट्स मोड में लगी, ये देखो ऑटो अपने आप चलेगी, टेम्पो बन जाएगा ऑटो, मतलब स्पोर्ट्स मोड बस, दो ही तो मोड है, स्नो मोड और स्पोर्ट्स मोड। और ये चेंज हो रहा है, मतलब यार ये पता क्या है, देखिए हाथ हटा, ये ना थोड़ा सा लोकल सा दे रखा है, मतलब 22 लाख रुपए की गाड़ी है भाई ये, 22 से थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे लगा लो इतनी है। बाकी सनरूफ एक नंबर, सुपर सुपर। स्नो मोड में ही लॉक कर सकते हम डिफरेंशियल, अब लॉक हो गए सर। तो अभी चलाते हैं, घुमा के देखो टायर, अंतर है कुछ, एक बार घुमा के देखते हैं। ओ भाई साहब, बाहर से तो बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा है इसका इंजन, सही है भाई, सही है सही है, बाहर से तो बिल्कुल अबे अब बिल्कुल भी आवाज नहीं है भाई इंजन में, रिफाइनमेंट एक नंबर की है। पीछे ले जा फिर, बढ़िया रिफाइनमेंट। और जैसे इसका जो आता है ना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला भाई, उसमें तो पता भी नहीं चलता कि इंजन स्टार्ट है, वो इंजन स्टार्ट होता ही नहीं है, खैर शुरुआत में तो मोटर ही चलती है उसकी, बैटरी सी रहती है ना, बट इसमें इतनी बढ़िया रिफाइनमेंट दे रखी है, एक नंबर। चल बस रे, यहाँ नहीं होगी अच्छी सी, फिर वो अच्छी सी करनी चाहिए, ऑफरोडिंग करेंगे इसकी, नंबर प्लेट लग जाने दो, आज शाम तक या परसों तक लग जाएगी, फिर ये आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी ऑफरोडिंग वाली, अनुभव चौहान वाले चैनल पे, पकड़ तो ठीक से, तो घबराई नहीं, अभी चलते हैं आगे। बाकी यार की और ये थोड़ा सा लाइट वाइट लॉक हो गई, बड़ी जल्दी लॉक हुई, पता है जैसे ब्रेज है, ब्रेज में क्वालिटी बढ़िया है, पर इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना लग रही। चलो अब इसको फास्टन योर सीट बेल्ट एंड कंपाउंड में इसको घुमा रहे हैं, मतलब भाई चलने में देखो है ठीक गाड़ी है, मतलब यूँ है कि हाँ बड़ी बड़ी सी बोनट बोनट से नहीं, आराम से जाना भैया, टेंशन ना लो वीरे। और भाई काफी मस्त चलने, मतलब भाई हाँ लग रही है कि हाँ मैं कोई ऊंची ऊंची गाड़ी चला रहा हूँ, है ना। पर एक चीज है, जैसे अपने ब्रिज है, ब्रिज में भी सेम इंजन है, इसमें भी सेम इंजन है,
बॉडी देख इसकी कितनी भारी है, कितनी बड़ी है, एयर कटिंग इसमें कम होगी पर ब्रेजा छोटी है, एयर कटिंग ज्यादा होगी तो वह में जो मजा होगा ना चलान में ब्रेजा में ज्यादा होगा कम्पेयर टू इसके ग्रैंड विटारा का। और जो इसको वो है ना थ्री सिलेंडर वाला इंजन वो तो भाई मजेदार सुना लग रहा है, मैंने उसके अंदर पावर भी कम है, बीएच वो टॉर्क भी कम है, सब कुछ तो उसके अंदर कम है। और फिर यार ऊपर तो थ्री सिलेंडर इंजन है, आवाज भी भाई करेगा वो इंजन तो क्या फायदा बता। तो बाइक की बात मान लेना, देख यार फाइव स्पीड का जमाना गया है यार, सिक्स स्पीड गियर बॉक्स देना चाहिए था कम से कम। और एक और चीज है मैं बताऊं, देख सुनता रहो भाई जो जो बता रहा है सुनते रहो। ऑटोमेटिक फील्ड में वाइड टॉर्क कन्वर्टर और जो है ना अपनी हाइब्रिड में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में वो आया अपनी सीवीटी ईसीवीटी, बाकी ऑटोमेटिक भाई अभी चला ही नहीं है, पता नहीं है जर्की है कि नहीं है, बाकी पता ना भी हो। गाड़ी नंबर प्लेट नहीं आई, डेंट पहले आ गया, मार दिया किसी ने डेंट नई नई गाड़ी में। तो भाई और एक और चीज बता, देख ये देखो बुराई ना करनी चाहिए कहीं भी चीज की, सब चीज अपने लाइफ में बढ़िया रहे, पर कोई अंधा इंसान है चल छोड़। बता दे बता दे, इसमें देखेगा ना स्पेस कम है यार, स्पेस ओनली 373 लीटर है इसके अंदर स्पेस, और जो अपनी क्रेटा है उनके अंदर है 433 लीटर, यह चीज देख ठीक है बढ़िया है जो है बस पीछा ते जो यह जीप मेरिडे ने भाई यह काफी जबरदस्त लगे, थंबनेल और निकाल लेता हूँ ऐसे ही करके ऑल ग्रिप के साथ भाई काफी जबरदस्त है। बताने लग जाए तो कई कमी निकल जाएगी इस गाड़ी में, बताऊँ कमी बता दें, एक तो बूट स्पेस की कमी है इसके अंदर ठीक है, और भाई क्वालिटी के तो और इंडिकेटर में, इंडिकेटर में मेरे हिसाब से मैं LED होनी थी, हाँ इन यार हैलोजन दे रखी आज के जमाने में, क्वालिटी में तो मारुति की लेगेसी है इस चीज में, तो वो तो पता है सामने की वो क्वालिटी तो आनी है, थोड़ी सी तेज बोल तेज। और भाई एक और चीज है की बताऊँ तो बस छोड़ कोई ना, तो भाई फॉग लाइट ना है गाड़ी में कोई बात ना, वो डिजाइन ही ऐसा बनाया है। तो भाई ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वेन्यू में भी ना है, हाँ तो कोई ना, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, और जल्दी इसकी ऑफ रोडिंग आएगी भाई अनुभव चौहान वाले चैनल पे, क्योंकि इसकी नंबर प्लेट आज या कल में बन जाएगी, आज ही बन जाएगी, आप यूँ लगा लो एक दो दिन में इसकी ऑफ रोडिंग आ जाएगी, एंड ऑल ग्रिप है भाई मजा आएगा देखेंगे। मेरे को तो नहीं लगता ये ऑफ रोडिंग में कामयाब हो पाएगी, क्यों, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इसका इतना नहीं है जितना होना चाहिए ऑफ रोडिंग की गाड़ी के लिए। जैसे देखिए वाला देख ये टायर है ना मड एंड स्नो वाला दे रखा है इसमें, तो ये ऑफ रोडिंग में ये बढ़िया चीज रहेगी, तो कंपनी मारुति ने यह बढ़िया चीज कर दी कि आपने बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं है, मडर स्नो वाला ये टायर बढ़िया वाला है। तो फिर से एक बार ठीक है गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, टेक केयर एंड बाय बाय।